हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ अमन। सो गाइस, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी तो उसके लिए सॉरी। एक्चुअली पिछले एक सप्ताह 10 दिनों से मुझे डेंगू हो गया था, थोड़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी गाइस, बट फिलहाल अभी मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूं। और यार, पूरे पटना में इस बार काफ़ी ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है, तो आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और अपने आसपास भी सफाई ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। तो गाइज, आज मैं आपको डॉक्टर अनिता सिंह टू लेबर कोट वाले फ्लाईओवर का अपडेट दिखाने वाला हूं, और साथ ही आगे आने वाली वीडियो में भी मैं आपको पटना में चल रहे तमाम प्रोजेक्ट की अपडेट दिखाऊंगा। तो गाइज, चैनल पर अगर आप पहली बार आए या अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको इंस्टाग्राम आईडी शो कर रहा होगा, आप वहां पर मुझसे बातें भी कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अनिता सिंह हॉस्पिटल के पास और वहां चल रहे काम का क्या अपडेट है उसे देख लेते हैं। तो गाइज, अभी मैं हूँ अनिता सिंह हॉस्पिटल के पास और ये रहा डॉक्टर अनिता सिंह टू लेबर कोट फ्लाईओवर का वो हिस्सा जो काफ़ी सालों से यहाँ तक तैयार कर लिया गया था, और इधर अब इसे मिलाने का काम चल रहा है और बस अब कुछ महीनों का इंतज़ार और बहुत जल्द ये फ्लाईओवर हम सभी को मिलने वाला है। वैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्लैब भी तैयार कर लिया गया है और आगे काम भी चल रहा है। तो आइए सीधा मैं आपको इस फ्लाईओवर के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका क्या कुछ काम चल रहा है। तो गाइज, ये रहा डॉक्टर अनिता सिंह टू लेबर कोट वाले फ्लाईओवर का अप्रोच रोड जिसे तैयार किया जा रहा है। वैसे काम यहाँ आप देख सकते हैं 60-70% काम हो चुका है इस अप्रोच रोड का। येलो सैंड भरने का काम भी लगभग पूरा हो गया है और साथ ही ये जो आरी वॉल का हाइट है उसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पिलर के बराबर पहुँच चुका है। आइए आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ और आगे का काम भी दिखा देता हूँ। और गाइज, यहाँ मैं आपको बता दूं कि रोड के दोनों तरफ सर्विस लेन भी तैयार होना है और बीच में ये फ्लाईओवर जिससे आप गया लाइन घूमती होते हुए मीठापुर गर्दनी बाग कर भी गई है स्टेशन जीपीओ इनकम टैक्स के तरफ आना जाना कर सकते हैं। और गाइज, ये रहा सामने वो पार्ट जिससे इस वाले हिस्से को जोड़ने का काम किया जा रहा है। अभी दीपावली और छठ पूजा शुरू होने वाला है तो काम अभी आप स्लो देख पा रहे होंगे, बट बहुत जल्द ये जो गडर है इसे लॉन्च करने का काम स्टार्ट किया जाएगा छठ पूजा खत्म होने के बाद, और आई थिंक फरवरी मार्च तक ये जो फ्लाईओवर है उसे तैयार कर लिया जाएगा। तो जैसे ही ये काम आगे बढ़ता है या ये जो गडर है इसे लॉन्च किया जाएगा उस वक्त मैं आपको ये अपडेट ज़रूर दिखाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पटना के और जगह की अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे फिर एक नई जगह की अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज़।